तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, है ना? याद आ रहा होगा। मैंने बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 3D स्पेस में उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है, करेक्ट? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जरा ध्यान से सुन लो, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों आइसोमेरिज्म के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट फिर भी कुछ बातें मैं अभी बता देना चाहता हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसा एक लाइट है, ये लाइट मैं ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब इसको इस किसी भी कंपाउंड से पास करवाते हैं और वो लाइट को कुछ नहीं हुआ, लाइट ऐसे ही चला गया जैसे था, है ना, एक प्लेन में वैसे ही निकल गया, इसका मतलब वो लाइट किसी तरह का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। लेकिन मान लो किसी ने लाइट को ऐसे बेंड कर दिया थोड़ा सा इस तरीके से, अरे गलत दिखा दिया यार, सीधा ही जाएगा ना लाइट तो, लेकिन ऐसे झुक जाएगा थोड़ा सा, देखो ऐसे झुक के चला जाएगा, यानी लेफ्ट की तरफ झुका दिया। हो सकता है वो ऐसे भी तो झुका सकता है, ऐसे भी झुका सकता है, हाँ, अगर लेफ्ट की तरफ किसी ने झुका दिया तो उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी, एल एल से दिखाते हैं, है ना? अभी तुम लोग पॉलीमर कर बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे ना, तो उसमें लीवो रोटेटरी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज पढ़ोगे। एक होता है डेक्स्ट्रो, जो राइट की तरफ घुमाता है उसे क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्ट की तरफ घुमाता है उसे लीवो रोटेटरी। बताइए कोई दिक्कत? तो ये तो हम प्रैक्टिकल से समझेंगे ना कि कौन सा शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा नहीं, थियोरेटिकल कैसे समझेंगे? थियोरेटिकल में ध्यान से सुनना, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, जिसका मिरर इमेज ना बने या सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ना बने, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बनना चाहिए, ठीक है? सुनो, POS नहीं होना चाहिए, सुपर इम्पोजिबल यानी एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाए। अगर हम खुद का मिरर इमेज बनाए तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा राइट उसमें लेफ्ट होता है और हमारा लेफ्ट उसमें राइट होता है, करेक्ट? अरे यार हाँ बहुत गलत। सर, इसके अलावा सही है। काइरलिटी नहीं होना चाहिए, काइरल कंडीशन होना चाहिए, काइरल कंडीशन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर ये काइरल क्या होता है, काइरल कंडीशन क्या होता है? आओ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काइरल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा, बहुत पढ़ेंगे, बहुत बड़े पढ़ेंगे काइरल कार्बन। काइरल कार्बन के रेस्पेक्ट में हम बता देते हैं काइरल का मतलब क्या होता है। काइरल का मतलब जिसमें वैलेंसी डिफरेंट हो, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी, जब चारों चीज या सब चीज अलग अलग हो उसको क्या कहते हैं, काइरल। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, काइरल। तो जब इसका सब कुछ अलग अलग होगा दोस्तों, जब सब कुछ अलग अलग होगा तो ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा ही, और इस केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली ओ ए एक्टिव हो अगर काइरल होता है तो। तुम बोलोगे सर काइरल है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लीजिए पास करता है तो भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो नहीं होगा ऑप्टिकल एक्टिव। तुम बोलोगे सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या क्या होता है, अभी बताते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है जो किसी भी चीज को इक्वल हाफ में बांट दे। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज को इक्वल हाफ में बांट दे, जैसे कि ये क्यूब है, इसको इक्वल हाफ में बांटने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, कैसे भी काट दो कट जाएगा इक्वल हाफ, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, क्या हो गया दोस्त, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है वो नहीं होगा, जो काइरल कंडीशन शो करता है वो होगा। बताइए कोई दिक्कत? ये तीन नहीं कंडीशन और तुम्हारा कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म पूरा अच्छे से हो जाएगा। याद रखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मैं फोटो बना बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं फोटो बना के दिखाऊंगा, ठीक है? आइए, अजीब सा सर्दी जैसा हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि हमें इसमें तीन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, एक कौन सा था, टेट्राहेड्रल, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, क्या हेडल नहीं था ना? लिखने तो दो, टेट्राहेड्रल,
बोलोगे हाँ। दूसरा क्या था? ट्रायंगल स्क्वायर प्लेनर, और ऑक्टाहेड्रल। एक था ऑक्टाहेड्रल। ये जीआई शो करता है? नहीं, ये जीआई शो नहीं करता, बट ये शो करता है। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन पॉसिबल है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। स्क्वायर प्लेनर जीआई शो करता है, यस। ये शो नहीं करता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रेजेंट होता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये शो करता है। तो कल हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्क्वायर प्लेनर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो स्क्वायर प्लेनर में हमने जीआई के बारे में सिर्फ पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? जीआई। जीआई में भी किसके बारे में पढ़े थे? मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे दोस्तों? मोनोडेंटेट लिगेंड, याद आ रहा है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइडेंटेट लिगेंड। सेम कहानी स्क्वायर क्लिनर का। स्टार्ट करें, बोलो। फिर हाँ स्क्वायर क्लिनर में ही सर, हम देखेंगे किसके बारे में? हाँ सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो ही नहीं करता है स्क्वायर क्लिनर, है ना। स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर शेप का कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हमें अभी दो तीन थ्योरी पढ़ना है। कौन कौन सा? वर्नर का थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी, होता तो और भी है, एमओटी, एलएफटी। बट एमओटी और एलएफटी के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है मालूम ना, कि इस लेवल पे आप अच्छा इस चीज को नहीं पढ़ोगे। हाँ, एमओटी और एलएफटी अपने में नहीं है। एलएफटी मतलब होता है लिगेंड फील्ड थ्योरी, एमओटी मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सीएफटी मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हमें पढ़ना है सीएफटी पढ़ना है। वीबीटी होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। आओ, हाँ ठीक है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तुम बोलोगे ठीक है, एम है, ए से भी डोनेट कर सकता है, ए से भी, ऐसा कुछ। ए ए मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल डोनेशन है। देखो कैसे, ठीक है, ध्यान से सुनो। ओके, नहीं निकालेंगे, ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूं, ये है मेटल, ओके, और बाइडेंटेट लिगेंड है कोई, और ए है, ऐसे ये आपस में जुड़ा हुआ है। डोनेट करने वाला पार्टी एक ही आदमी है, इधर से भी दे रहा है, ये इधर से भी दे रहा है, ये इधर से भी दे रहा है, और ये इधर से भी दे रहा है। यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से क्या है, जुड़ा हुआ। क्या ये पॉसिबल है? तुम बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि बॉन्ड देखो, मिनिमम तो एक एक दो तीन, और यहाँ पे दो तीन मेंबर होगा उसका, जो भी मेंबर होगा यहाँ पे मेंबर्स होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, गॉट इट, यहाँ पे मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो क्या ये हाँ जीआई शो करेगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ। तुम बोलोगे इसको उलट देंगे नहीं हम, इस ए को उधर डाल देंगे, इस ए को इधर डाल देंगे, तो भी कुछ नहीं होने वाला है, तो भी कुछ भी नहीं हाँ होगा। इसका मतलब ये नो जीआई शो करेगा, करेगा। किसी तरह का ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। अब आओ हम ऐसा बात करते हैं, एम ए ए, और एक लेते हैं बी टू। बी टू यानी बी बी, क्या है, मैं लिख ही देता हूँ। बी टू मतलब क्या? बी टू, किसी की बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, म्यूट करो। बी बी टू, बी बी, है ना। बी टू मतलब बी बी ही है। वैसे लिखते हैं इसको कैसे है? बी टू। चलो मैं जैसे बुक में लिखते हैं वैसे ही लिखता हूँ। बी टू, देखो ये है एम, फिर से ए ए इधर, और बी बी इधर। ठीक है, अब बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? चेंज करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला। बी के सामने ए, बी के सामने ए, हमेशा वही रहेगा। मैंने बोला था इसके लिए एक ट्रिक, हमेशा तुम डायगनली देखो, तो इसमें चेंज भी करके देख लो, ये चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, कुछ भी कर लो, है ना। तो ये भी कोई किसी तरह का जीआई शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो। थर्ड कंडीशन, ये भी तो हो सकता है, एम ए ए और बी सी ले लेते हैं, क्या ये शो करेगा? आओ देखें, ये एम हाँ ए ए, एक तरफ बी, एक तरफ सी। सॉरी, अब कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, पता है क्या वो बोलेंगे? सर ऐसे शो नहीं कर सकता, लेकिन देखो ऐसे शो करेगा, एम ए ए, ये बी, ये सी, ऐसे शो कर जाएगा, है ना। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, हाँ सर, ये नहीं करेगा?
ये गलत है, ये नहीं करेगा। बैकग्राउंड से किसी की आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट करो, रहा। म्यूट करो, म्यूट करो, ये नहीं करेगा। मैंने बोला ए ए एक लिगेंड है, तो भैया एक लिगेंड है, एक लिगेंड का दो साइड, तुम इसको अपोजिट पे कैसे डाल सकते हो, कैसे डाल सकते हो, है ना? इसको तुम अलग ही नहीं कर सकते ना, ये दोनों तो एक ही है, एक ही से जुड़ा हुआ। जैसे कि मान लो ईयन है ना, मान लो ईयन है, तो अलग अलग हिस्सों में थोड़ी फेंक सकते, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, नो जी आई। मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर, वॉल्यूम बढ़ाओ जिन्हें आवाज नहीं जा रहा है। सर। ओके, ध्यान से सुनो। अब फोर्थ कंडीशन, ये समझ में आया ना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते भाई, एक एक साथ रखोगे ना, ये तो एक ही है, देखो ब्रैकेट में मतलब एक ही है, ये बीसी का मतलब ये अलग है, ये अलग। हो सकता है वो मोनोडेंटेट हो सकता है वो कैसे हो, मोनोडेंटेट, ठीक है? ठीक है, ब्रैकेट में जो बंद होता है वो होता है एक, तो देखो एम ए बी, ए बी ब्रैकेट के अंदर है, यानी क्या हो गया, बाइडेंटेट, और बी सी अलग अलग है, तो बी सी क्या हो गया, मोनोडेंटेट। क्या इसमें पॉसिबल है मृणाली? हाँ इसमें पॉसिबल है, देखो एक ये बन गया, एक ये हो सकता है, बी को इधर डाल दें, ए को इधर डाल दें, बी को इधर डाल दें, हाँ तो दो जी आई पॉसिबल है, ये दोनों एक है। देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए मैंने जोड़ दिया, ये दोनों एक है, ब्रैकेट वाले बाइडेंटेट है, तो देखो जोड़ दिया बाइडेंटेट, और ये सब मोनोडेंटेट है, तो उनको नहीं जोड़ा गया, तो इसमें दो जी आई पॉसिबल, दो ज्योमेट्रिकल है इसमें। समझ आ रहा है क्या दोस्तों? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ओके। तो आई थिंक हमने सारे केस कर ही लिए हैं, लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो कुछ ऐसा था। एम ए फोर दे रहा था क्या? नहीं, जी आई लिख देते हैं। कितना जी आई था? जीरो। जीरो। कितना था? जीरो था। इसके अलावा हम लिखते हैं एम ए थ्री बी, जीरो। इसके बाद हमने क्या लिखा था, एम ए टू बी टू, ये दो दिखाता था, एक बार बी बी को सामने रख दो, एक बार बी ए को सामने रख दो, याद आ रहा, आमने सामने हाँ डायगनली मतलब। एम ए बी सी डी कितना दिखा रहा था? तीन, तीन। याद आ ही रहा होगा। इसके बाद एम ए ए, ठीक है, वो भी दो ले लिए, कितना दिखाया, जीरो। जीरो। अभी अभी पढ़े, इसके अलावा एम ए ए बी टू, जीरो। जीरो। इसके अलावा एम ए ए बी सी, ये भी जीरो दिखाया। उसके बाद हमने पढ़ा एम ए बी टू, ये कितना दिखाएगा? अच्छा ये नहीं बनाया है क्या? बनाए क्या लगता है, बता के खुद बना के देखो कितना लगता है, दो बनेगा? बोलो बोलो, बिल्कुल दो बनेगा। अरे एक बार देखो ना, ए एंड बी, इधर देखो दूसरी ए एंड बी, बी ए ए सामने है और एक बार क्या किया, और बी बी सामने, और एक बार क्या करना, यहाँ घुमा देना, यहाँ ए कर देना, यहाँ बी कर देना, है ना, ए बी हो जाएगा, है ना, तो दो बन जाएगा। तो इसका कितना कितना बनेगा, दो बनेगा, ठीक है, बना के खुद भी देख सकते हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हम जब बताएंगे तभी होगा। एम ए बी बी सी कितना बनता था, दो। इसका दो। बता के दिखाओ, एम ए बी, ए बी मतलब कैपिटल वाला दे दो, और स्मॉल वाला बी टू, इसका कितना बनेगा बताओ जल्दी से, लास्ट वाला का बताओ। सर जीरो। वेरी गुड, जीरो बनेगा, इसका कोई नहीं बनेगा, दो ही बन। ठीक है? तो मैंने मोनोडेंटेट बाइडेंटेट एक साथ लिखवा दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सब किसके थे, ये सब स्क्वायर प्लेनर के थे, और हम जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सो ही नहीं कर सकता, है ना? ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर प्लेनर डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डज नॉट शो, ओ आई में लिख देता हूँ,
ड्यू टू पीओएस, पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, हो गया। तो स्क्वायर प्लेनर से रिलेटेड सारी बातें समाप्त, ठीक है। जी आई तो पढ़ लिया, ओ आई तो देता ही नहीं, ठीक है, बताओ। हाँ सर। हाँ सर, आगे बढ़े क्या? यस, ठीक है, ओके, आओ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे, क्या था ड्यू टू, हाँ ड्यू टू, इट डज नॉट शो ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लीज म्यूट करो, किसी के तरफ से बहुत आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट। आगे बढ़े क्या? लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स याद आ रहा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कितने लोगों को याद आया? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जल्दी से बता दो। याद है, याद है, याद है। चलो हाँ, ठीक ठीक ठीक, तो चलो मैं कुछ पूछ लेता हूँ फिर इसके बारे में, है ना, मुझे बताना। ये एक मैं बना देता हूँ मीथेन का, मान लो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ऐसे बनाऊ ऐसे बनाऊ ऐसे बनाऊ ऐसे बनाऊ, ठीक। मुझे बताओ इनके बीच में एंगल कितना, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मीथेन का स्ट्रक्चर, जो एंगल पता है वही बता दो ना, कभी जीवन में पढ़ा है तो। 109 डिग्री 28 मिनट, 28 मिनट। मैंने बताया था डमरू के जैसा होता है, 120 यहाँ पे नहीं होता एंगल, डमरू देखे हो शिव जी का, वैसा कुछ होता है। तुम बोलोगे ठीक है वैसा होता है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आमने सामने वाली बात ही नहीं होती है, आमने सामने होते ही नहीं है। तुमको लग रहा है ना ये सामने नहीं है, सामने नहीं है भाई, 120 डिग्री 180 डिग्री ऐसा कुछ होगा तब कुछ बोल पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम बोलोगे ओके, तो इसमें जी आई पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम तभी बोलेंगे ना कि हमारे सामने ये था और अब सामने कोई और आ गया, भाई तुम्हारे सामने भी पहले कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं आ रहा है, तो कैसे हम बताएंगे किसी चीज के रिस्पेक्ट में, बता पाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? सोच के बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि पहले ए के सामने बी था और अब ए के सामने सी आ गया, तो तुम बोलोगे ना हाँ शेप में थोड़ा चेंज आया, बोलोगे ना दोस्तों। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पहले भी ए के सामने कुछ नहीं था, अब भी चेंज हो जाने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो क्या बोलोगी, कैसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कुछ जिक्र करोगे? कुछ नहीं करोगे, कुछ जिक्र ही नहीं होगा भाई, कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में किसी के सामने कोई रहता नहीं है, तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल। मैंने इसमें भी दो कंडीशन बताया थी, इफ कौन कौन से कंडीशन था, पहला कंडीशन एम और लिगेंड हो एबीसीडी अलग अलग, किसको कहते हैं काइरल कंडीशन, क्या कहते हैं काइरल, देखो ना वैलेंसी, देखो वैलेंसी अलग अलग है ना, इस कंडीशन को क्या कहते हैं काइरल, काइरल कंडीशन, एबीसीडी सब वैलेंसी अलग अलग है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, अच्छा इसके अलावा हाँ, दूसरा दूसरा कंडीशन क्या है, बाइवैलेंट लिगेंड हो जिसमें दान देने वाला दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला जो उसका हिस्सा हो अलग अलग हो, मान लो एक हिस्सा नाइट्रोजन दे रहा तो दूसरा ऑक्सीजन दे, ऐसा कुछ, ठीक है। अब कुछ अंदर की बातें, गुप्त बातें वो लिख लो, गुप्त बातें ये है, पहला सॉरी क्वेश्चन नहीं, नोट करके लिख दो, नोट, पीटी एंड पीडी, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चार हो, विथ कोऑर्डिनेशन नंबर चार, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चार हो तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्त, याद रखना है, वैसे ये याद अभी रखना है, ये इसका लॉजिक तुमको मिल जाएगा बीबीटी के बाद, क्या मिल जाएगा, इसका लॉजिक मिल जाएगा, ठीक है, अभी याद कर लो, कोई दिक्कत, लॉजिक इसका मिलेगा अभी, तो तुम समझोगे हाँ नोट करने जैसा ही कुछ। दूसरा जिंक, कैडमियम और क्या है, जिन्नी कनेडा हो गई, एंड
एचजी, अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर चार आ गया तो ये टेट्राहेड्रल बनाएंगे, आर टेट्राहेड्रल। इससे क्या पता चलता है कि अगर मान लो पीटी में हमने ऐसे डाल दिया एबीसीडी एबीसीडी, तो तुम बोल देना ऑप्टिकली ये इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? स्क्वायर प्लेनर, देख लो। समझ आया भाई? स्क्वायर प्लेनर होते ही क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जुगाड़ बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, याद रखोगे? बोलो। हाँ। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो पीटी और पीडी का जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर चार देखना, कोऑर्डिनेशन यानी कितने बॉन्ड बनाए हैं। अब मुझे बताओ ये कंपाउंड शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? सोच के बताना। करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। यहाँ देखो, अभी मैंने लिखा जिन्नी कनिड्डा हो गए, ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल यानी ये शो नहीं करेगा। समझ आया? बताइए, आगे बढ़े। हाँ, चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें भैया कौन कौन सा काम करने वाला है, कौन कौन सा काम नहीं करने वाला है। आओ देखें, ये याद रखना, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख दिया है। अब वैसे इसका लॉजिक तुमको मिल जाएगा, अभी मान लो लॉजिक नहीं है, जो है वो है। ठीक है, अभी याद रख लो, लॉजिक हम दे देंगे वीबीटी के बाद। ठीक? हाँ सर। तुम लोग मुझे बताते जाना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, सब बताते जाना। मैं लिखते जा रहा हूँ, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम लोग बताना। क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख के दें क्या, ताकि समझते जाना? ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को ही सिर्फ देखना है, बाहर वाले आयन को मत देखना। आयनिक स्फीयर में क्या है, इससे कोई लेना देना अपने को नहीं होना चाहिए। ठीक है, NH3 3 Cl और बाहर में Cl, क्या इसको देखना पड़ेगा? नहीं, बाहर वाले को हम नहीं देखते हैं, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मतलब है। बताओ, मैं इधर लिखता हूँ, OI कितना शो करेगा, GI कितना शो करेगा, बताओ। बोलो बोलो बच्चों। सबसे पहली बात, इसका सेप हमें देखना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। पीटी यानी क्या हो गया? एम। ये क्या हो गया? ए। ए कितना हो गया? तीन हो गया। सीएल कितना हो गया? बी, एक। तो ऐसा कुछ सेप बनेगा, ए, हाँ। ए, ए, ए और एक तरफ बी। हाँ या ना, सोच के बताओ दोस्तों, यानी कुछ ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा एम ए थ्री बी। बोलो बोलो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तुम बोलोगे हाँ। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर देना चाहिए, है ना? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर देना चाहिए, क्या कहते हो दोस्तों? तो पहले पहले मैं बता दूं, अगर ये टेट्राहेड्रल है, मान लो अगर ये टेट्राहेड्रल है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन मैंने बताया था पीटी, पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चार है तो वो स्क्वायर प्लेनर होता है, तो हमें पता चल गया, अच्छा ये तो स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल तो है ही नहीं। ठीक है, अब ये स्क्वायर प्लेनर हमें इसका शेप पता चल गया, तो हम इसको चेंज करके देखेंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कुछ भी चेंज कर लो, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करने वाला। कर लेगा क्या? पहले भी बी ए के सामने ही था, बाद में चेंज कर दोगे तो भी बी ए के सामने ही रहेगा। बोलो। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा, तो मैं लिख दूं जी आई जीरो, बताओ, जी आई इसका जीरो हो गया। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, क्योंकि प्लैटिनम है ना, और प्लैटिनम बन जाता है स्क्वायर प्लेनर। देखो ना, तीन है और एक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? चार। तो चार में चार। क्या बन गया? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर नहीं दिखाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये भी जीरो। एक और सवाल समझ में आया ना, कैसे सॉल्व करना है, कर लोगे खुद ही? समझाओ ना, नहीं समझे। अरे मूर्ख, इधर देखो, पीटी को हम मेटल नहीं लिख सकते क्या? ममता, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। ए कितने हैं हमारे पास? एक, दो, तीन, तीन है। तीन। और बी कितना है? एक ही तो है। ठीक है, ऐसे मान लिया। हाँ। तो ये शेप क्या है, हमको पहले शेप पता करना पड़ेगा। तो हमें पता चला, अच्छा पीटी है, चार बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन चार, तो चार बॉन्ड मैंने बोला है अभी, पीटी एंड पीडी अगर चार बॉन्ड बनाता है तो स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब जैसे स्क्वायर प्लेनर आया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसी वक्त जीरो हो गया, क्योंकि ये तो दिखाता ही नहीं, स्क्वायर प्लेनर तो दिखाता नहीं, हटाओ। अब हमारे मन में आया,
कि अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा। तो हमने अभी ए के सामने ए देखा था और बी के सामने ए देखा था, हमने सोचा क्यों ना इसको एक बार चेंज कर दे, बी को उठा के यहाँ, ए को उठा के यहाँ डाल दें। तो लो बी को उठा के यहाँ, ए को, तो कुछ चेंज आया नहीं, तो भी बी के सामने, तो भी ए के सामने, कुछ चेंज नहीं आया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी जीरो है। समझ आया? हाँ, और बहुत स्लो। किस फॉर्मेट में है ये? मैम एक A3 B के फॉर्मेट में। बाहर वाले को नहीं देखते हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। वो क्या बनाता है? वो बनाता है आयनिक बॉन्ड। देखो स्क्वायर प्लेनेट क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनेट। चलो आगे सवाल लो, एक और देते हैं। ममता ध्यान से, हाँ सर, सावधानी। तुम कभी भी सवाल सॉल्व नहीं करती हो अच्छे से। बाहर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, बताते चलो जल्दी जल्दी। योगेश दादा बताते चलो, इसमें तो दोस्त कुछ है ही नहीं ना, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है इसमें तो, ना फॉर्मूला लगाना है, माथा लगाना है अगर है तो। सेकंड वाला भी 0-0 होगा ना? सब हाँ कुछ सेकंड पूछ वाला के भी बताना, 0-0। आंसर गलत मत लाओ, सोच के बताओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलत जवाब दोगे काफी मुश्किल में पड़ जाओगे मेरे सामने, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में ही बेइज्जती करूंगा और फिर अपना देख लो क्या होता है। जल्दी बोलो। हो गया, आया आंसर। इंटेलिजेंट बालकों बी का आंसर क्या आया? अरे यार बीटी एम है इधर, देखो ये किस फॉर्मेट में है, एम ए टू बी टू है ना, एम ए टू बी टू। तो एक तरफ ए, एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ बी, एक तरफ ए, एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ बी, दो जीआई बन रहा है। कौन बोला कि जीआई नहीं बनेगा इसमें, बताओ तो कौन बोला है? सामने ए ए है, बी बी है, सामने देखो ए ए है, अरे अच्छा सामने ए बी है, यहाँ ए बी है और यहाँ ए ए और ये बी बी, देखो तो दो जी आई बन गया। क्यों मृणाली गलत सलत आंसर क्यों दे रही हो? नहीं, हाँ बनेगा। नहीं तो गलत आंसर क्यों दे रही हो तुम? नहीं, वो गलती से हो गया। लोगों को बड़गलाओ मत, क्या नहीं मत तो करो, गलत राह मत दिखाओ, नहीं तो मुझे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करना पड़ेगा। ओके सॉरी। व्हाट? ओके आंसर बताइए दूसरे का, इसका आंसर सी और डी का बताओ तो जल्दी से, जल्दी बोलो। रुको तो, उसमें 0 और 2 बनेगा। ये जीरो ही होगा, क्यों? क्योंकि अभी भी ये स्क्वायर प्लेनर है, ये दो है। ये फॉर्मेट में किस में है योगेश दादा? आंसर एम ए टू बी और सी, एम सी ए टू हाँ, बी और सी, तो इसमें भी दो ही बनेगा मुझे जो लगता है, ये जीरो और ये दो, अभी हमने तो देख, ये सब स्क्वायर प्लेनर है दोस्त, मैं लिख लिख नहीं रहा हूँ, ये भी स्क्वायर प्लेनर, ये भी स्क्वायर प्लेनर। इसका देखो पीडी, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये भी स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा, 0 और 3 ये जीरो। और इसमें अलग अलग है, एम होंगे क्या है, एम ए बी, तो इसमें 3 बनेगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या सही हम लोग जा और रहे हैं? एकदम सही जा रहे हैं। आओ अब अलग हाँ सवाल, हाँ सर, अलग सवाल दे, सॉल्व करोगी? इजी है देखो, इजी मान के सॉल्व करोगे जल्दी जल्दी हो जाएगा। दे ए बी सी डी ई, हाँ सर, दे दो ले लो। लगता है ममता से भी अब बन रहा है ना ममता,
है ना। हाँ सर, गुड गर्ल, ऐसे ही सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व करोगे तो मैं तुम्हें पूरन पोस्ट कराऊंगा या क्या मिसल पोली। खिलाओगे? पूरन मिसल पोली मतलब पोली सर। ईवाई है, टेंशन मत लो, है ना, तुमसे पूछा नहीं जाएगा क्या है ये। ये इतना कैडमियम है, जानबूझ के दिया गया है। DHI मुझे ऐसा लगता है कि ममता धूल चटा देगी लोगों को। चटाई देगी। ममता आपको यार, डाउट है क्या? नहीं, ममता यार सॉल्व कर लो जल्दी से तुम तो। हाँ सर, जल्दी बताइए, अब कैडमियम वाला देख के बच्चे रुक जाएंगे कुछ देर के लिए कि सर एक बात बताओ आप, इसमें स्ट्रक्चर कौन सा होगा, हमको ये कैसे पता चलेगा, इसमें स्ट्रक्चर कौन सा होगा ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए अगर मैंने कोई ट्रिक नहीं दिया है तो अभी ये क्या है, टेट्राहेड्रल, मैं लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, मैं लिख देता हूँ टेट्रा। बाकी जिंक और पीटी और पीडी का तो दे ही दिया, ठीक है कर। बाकी सबका हिंट दे दिया गया, याद ई रखना, वाला बोलो 00 आएगा ई वाला। अच्छा रुको, मुझे ऊपर लिखने दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जीरो पहले जीरो ये बताओ मुझे, ये किस तरह का शेक बना रहा है, जल्दी बोलो। ये जिंक जब चार वैलेंसी में होता है, सुनिए, जिंक जब चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल, देख लो, लिख, टेट्रा। देख लो, मैंने लिखा हुआ, यस, तो हाँ ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कैडमियम वाला भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये जिंक वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो ये भी मैं टेट्रा ही लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेट्राहेड्रल के बाद क्या कहानी है, जेडन, जिंक, जिंक ग्लाई, हाँ जिंक ग्लाइऑक्सी, ग्लाइऑक्सीमेटो, ये क्या, ये भी टेट्रा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। लो सब हाँ टेट्रा। प्लैटिनम का दो दो चार वैलेंसी, देखो ग्लाइऑक्सीमेटो बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये कितना हो जाएगा, चार, तो चार हो जाएगा ना, तो प्लेनर। चार का कितना हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। भाई ग्लाई वाला जो होता है ना वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, पहले ही बता दे रहे, ठीक है, ये बाइडेंटेट, ईएन भी बाइडेंटेट होता है, यहां पर भी क्या हो गया, एक मिनट, यहां पर भी क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहली फुर्सत में जीरो करो। दूसरी बात, मैंने बताया था कि कहीं भी अगर टेट्राहेड्रल कंडीशन है तो उसमें दो ही आदमी शो करेगा, कौन, या जो एम ए बी सी डी हो, यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, या फिर ऐसा कुछ हो, एम और बाइडेंटेट लिगेंड के साथ ए बी टू हो, वही करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। देख लो जिंक टेट्राहेड्रल है ना, तो आओ जिंक में देखते हैं ये कंडीशन है कि नहीं, एम ए टू और बी टू नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा। शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम देखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें देखो, एम ए बी सी डी, हाँ शो कर देगा ये, देखो इस रूल को फॉलो करना चाहिए, अगर कोई टेट्राहेड्रल है तो सिर्फ यही दोनों करेगा टेट्राहेड्रल में, बस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये तो कर गया ना, एफ वाला तो कर गया। कैडमियम का देखो कंडीशन, एम ए टू बी टू नहीं करेगा शो, एम ए टू बी टू नहीं करेगा शो, तो इसको कट करो। इसमें देखो एम ए बी टू, ये तो कर जाएगा ना दोस्त, देखो ये तो कर जाएगा टेट्राहेड्रल में, हाँ ये कर जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी बताया था ना, ये करेगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। अब इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या बहुत टफ है, नहीं बहुत इजी नहीं, है, क्यों, जो टेट्राहेड्रल है वो नहीं करेगा, जो टेट्राहेड्रल है वो नहीं करेगा,
जो टेट्राहेड्रल है वो नहीं करेगा, जो टेट्राहेड्रल है वो नहीं करेगा, जो स्क्वायर प्लेनर है वो कर सकता है, लेकिन ग्लाई ऑक्सीमेटो करेगा भैया? सेम होता है या अलग अलग होता है, जल्दी बताओ। ग्लाई ऑक्सीमेटो में होता अलग 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 होता है यार, है। इसीलिए इसमें करेगा, दो बनाएगा, ठीक है? यस, देख लेना डायग्राम, फोटो बना के देख लेना, इसमें भी करेगा या नहीं करेगा बोलो। चाहो तो लिख लो, मैं लिख ही देता हूँ। ये है ऐसा कुछ फॉर्मेट में, MAB2, यानी अलग अलग जगह से डोनेट करते हैं, ठीक है, ग्लाइऑक्सीमेटो में। अब इसमें क्या है, सॉरी इथाइलिन डायमाइन AA, और यहाँ क्या है B2, तो ये नहीं करेगा, ये भी सो नहीं करेगा, खत्म, चेंज ही नहीं होगा, AA और BB है, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है, किसी भी चीज में पूछो, नहीं टेट्राहेड्रल सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, इसीलिए मैंने क्रॉस कर दिया। अब जो टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, उसके लिए मैंने बताया है सिर्फ दो कंडीशन, कौन, या तो एम ए बी सी डी होना चाहिए, या दूसरा एम अगर बाई डेंटेट है तो ए बी टू, बस। तो ये वाला एच वाला देखो एम ए बी टू है, और एफ वाला देखो एम ए बी सी डी है, हो गया। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें भी पोजीशन चेंज होना चाहिए दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना, बताओ। चलो, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, व्हाट यू से गाइस? हाँ क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, हाँ चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।